नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कोहरा काल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। पूरा देश सर्द थपेड़ों की चपेट में है। बर्फबारी, शीतलहर और घने कोहरे ने देश की रफ्तार थाम रखी है। मैदानी इलाके गिरते पारे के मामले में पहाड़ी इलाकों को मात दे रहे हैं। दिल्ली मानो मसूरी और शिमला बन चुकी है। घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यात्राओं पर खास असर देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। बात उत्तर भारत की करेंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। जी हाँ, दिल्ली का तापमान तो शिमला और मसूरी जैसे पहाड़ी इलाकों से भी कम होता जा रहा है। साल के पहले दिन दिल्ली में बारिश का अनुमान भी है। हालांकि 3 जनवरी से फिर से ठंड बढ़ सकती है। यही हाल पूरे यूपी का भी है। सर्दी का थर्ड डिग्री, सर्दी तोड़ रही है सारे रिकॉर्ड। घने कोहरे की वजह से आसमान पर पहुंचा प्रदूषण। जगह जगह स्कूलों को बंद करने के आदेश। पहाड़ी इलाकों के मुकाबले दिल्ली की सर्दी ज्यादा गंभीर। सोमवार सुबह दिल्ली में भयंकर सर्दी के साथ ही घने कोहरे से भी लोगों का सामना हुआ। यही हाल पूरे उत्तर भारत का रहा, जहां घने कोहरे की वजह से ट्रेनों के साथ फ्लाइट पर भी असर पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी सर्दी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली NCR में लोगों को भारी प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से हवा की दिशा बदलने का अनुमान है, इसलिए दिल्ली को शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है। ठंड कम नहीं होने के कारण कई जगहों पर स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ठंड हो रही है, दिख भी नहीं रहा कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ से नहीं, अब पता नहीं चल रहा बस कब आएगी, दिख ही नहीं। जब सामने आई बस तभी दिखा कि भाई बस आ रही है। तो आज लेट भी हो गया आप? आज लेट, इतना लेट हूँ, धुंध में बस दिख ही नहीं रही। इतना सुबह इतना कोहरा, 7 बजे तक कोहरा ही कोहरा। इतना सुबह से इतनी ठंड हो रही है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर मतलब आते आते पता ही नहीं चल रहा, इतना स्मोग हो रहा है। हम भी मतलब बस कार कुछ पता नहीं चल रहा है इतनी ठंडी में। हम लोगों को बहुत कम दिखाई दे रहा है, काफी दूर की, मतलब अब तो काफी पास की भी चीजें नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे स्कूल्स भी बंद कर देने चाहिए, क्योंकि बच्चे इतनी ठंड में स्कूल आ रहे हैं। सर्दी में बहुत दिक्कत आ रही है, ठंड हो रही है सबसे ज्यादा। अगर 5 बजे आता हूँ घर से, 5 बजे घर से निकल रहा था, कोहरा वोरा पड़ता, ठंड बहुत पड़ती है। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? चादर वादर ओढ़ रखी है, और क्या कपड़े पहनने के, ये घने साल है, दो तो में भी ठंड लग रही है। काफ़ी दिक्कतें हैं, जब छोटी फैमिली साथ ट्रेवल करना है, छोटे छोटे बच्चे साथ में है, तो ट्रेन लेट होगी तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विद अस। दूर का ट्रेवल है, ठंड ज्यादा है, फॉग हो जाता है उसमें, अगर ट्रेन टाइम नहीं चलेगी तो इनकन्वीनियंस होगा पब्लिक। कड़ाके की सर्दी के चलते हरियाणा सरकार ने 30 और 31 दिसंबर से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश देने का ऐलान किया है। हरियाणा के स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विंटर ब्रेक के चलते बंद रहेंगे। ऐसे में स्कूल अब 16 जनवरी को खोले जाएंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि मैदानी इलाकों में दिन के समय कोहरा छाया है, जिसकी वजह से जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए लोगों द्वारा जलाए गए अलाव ने धुंध का एक कवर बनाने का काम किया। कंबल तो कल मिल गया था, और आग वोग जलती नहीं है। ये कंबल ना बांटने आए थे। कोई कंबल में व्यवस्था यहाँ पर है? कंबल की व्यवस्था तो नहीं है साहब, हमारे पास है, हमको कोई दिक्कत नहीं साहब, हम लेके आए थे। हाँ, ये तो सब खुला हुआ है साहब, इधर तो पीछे, और इधर तो अबवास आती है साहब, तो ठंडी तो थोड़ी आती ही है, और हमको तो ठीक किया, वो भी बेचारे सब ठंडा रहे हैं, जो परे गरीब लोग। कोई व्यवस्था नहीं है, कमल माल कुछ आग नहीं है बाबू जी,
कैसे रात गुजारी? हाँ बस इसी कम्बलों में रात गुजारी बाबू जी, सिकुड़ सिकुड़ करके और क्या करें। उत्तरी मैदानी इलाकों में पिछले एक पखवाड़े से रोजाना सुबह कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से सक्रिय हो रहे पश्चिम विक्षोभ के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नए साल में इसके कारण बारिश भी हो सकती है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि पहाड़ी इलाकों के मुकाबले दिल्ली की सर्दी कहीं ज्यादा गंभीर है। इससे आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी। उत्तर भारत में भयंकर सर्दी के साथ ही सोमवार सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो उन्हें घना कोहरा नजर आया। कोहरे की वजह से ट्रेनों के साथ फ्लाइट्स के संचालन पर भी असर पड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के बाद अब कोहरे की मार, यूपी का भी बुरा हाल। आवाजाही में हुई भारी दिक्कत, कोहरे ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक। सर्दी के बाद अब कोहरे का डबल अटैक। पूरे देश में सर्दी का सितम जारी है। सुबह जब लोग उठे तो उन्हें घना कोहरा नजर आया। कोहरा ऐसा कि कुछ मीटर के आगे देखना मुश्किल था। इस कोहरे ने न सिर्फ लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया बल्कि रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी। लखनऊ की तस्वीर देखिए, किस तरह कोहरे ने लोगों को परेशान किया, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ठंड का सितम लगातार जारी है, पूरे प्रदेश में शीत लहर चल रही है, जिसे आम आदमी का जो जीवन है वो कह सकते हैं कि बेपटरी हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं जो आज यहाँ पर आग जलाकर हाथ ताप रहे हैं, कहीं ना कहीं से सोच रहे हैं कि हमारे हाथ पैर काम करें जिसके बाद हम अपने काम के लिए यहाँ सर निकल सके, क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी किसी भी तरह की राहत मिलने की संभावना नहीं है। हमारे साथ दादा मौजूद है। दादा, ठंडक बहुत पड़ रही है, किस तरह से आप बचाव कर रहे हैं ठंड को लेकर? भैया ठंडक पड़ रहा है, लकड़ी जोड़ जोड़ के हम उताप रहे हैं जी, कोई लकड़ी के साधन भी नहीं है। अच्छा है। तो अलाव की तरफ से सरकार की कोई व्यवस्था करी गई है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ठंडक तो है, यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए सरकार की तरफ से अलाव की। अब हम लोग यहाँ सब पूरा पार्सल रहता है तो इन लोगों के लिए बहुत लोग यहाँ कम्बल ओढ़ के पार कर रहे हैं, जैसे तैसे अपने जो जिसके पास व्यवस्था वो कर रहा है। ठंडक बहुत ज्यादा, सरकार को ऐसी जगहों पर अलाव की व्यवस्था किया जानी चाहिए, चाहे वो बस स्टेशन हो, चाहे वो ट्रेन स्टेशन हो, या फिर वो चौराहा हो, जिससे गरीब आदमी वहाँ पर बैठकर हाथ सेक सके और इस कपकपाती हुई ठंड से अपने आप को बचा सके। उधर दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, यहाँ किस कदर कोहरा पसरा हुआ है। उधर पूर्वांचल का भी कोहरे से बुरा हाल दिखा। गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर सभी जगह सुबह सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी और वो थी कोहरा। देवरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे ठंड और कोहरे के डबल अटैक से लोग परेशान हैं। मुजफ्फरनगर में भीषण कोहरे के बीच लोग अलाव के पास बैठे नजर आए, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। उधर सहारनपुर में भी सुबह कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये देखिए बागपत का हाल, ये सुबह 11 बजे की तस्वीरें हैं। हापुर में कोहरे के कारण सुबह 9 बजे लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलते दिखाई दिए। वहीं गाजियाबाद के लोगों को ऑफिस जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब कासगंज का हाल भी आप देख लीजिए टेलीविजन स्क्रीन पर। इस कोहरे के कारण सड़कों, बाजारों व अन्य सार्वजनिक जगहों पर लोग अलाव जलाते दिखाई दिए, पार्क सुने दिखे, स्कूल कॉलेजों में बच्चे गायब। कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट हुई, वहीं हवा का सफर करने वाले यात्री भी परेशान दिखाई दिए। मौसम के मिजाज को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में कोहरे का कहर अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी। देश की राजधानी में सोमवार को घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी 300 मीटर दर्ज की गई।
कोहरे के कारण 56 ट्रेन जो है रद्द कर दी गई हैं, जबकि 139 ट्रेन देरी से चल रही हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में कोहरे के चलते कई ट्रेनों के समय में फेरबदल भी किया गया है। कोहरे की मार रेल के साथ साथ उड़ान सेवा पर भी पड़ रही है। मौसम के बदलते इस मिजाज ने आम जनता को परेशान कर रखा है। घने कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, ठंड के साथ कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। घने कोहरे ने यातायात सेवा पर लगाया ब्रेक, ट्रेन और विमान सेवा बुरी तरह प्रभावित। दिल्ली में 4 उड़ानें रद्द, 16 उड़ानों का रूट डायवर्ट। कोहरे की मार से 56 ट्रेनें रद्द, यात्रियों पर मौसम की दोहरी मार। ट्रेनों की देरी से रेलवे को घाटा। जी हां, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में लगातार गिरते पारे के साथ साथ घने कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। बढ़ती ठंड के कारण लोग घर में दुबकने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि 2 डिग्री के टॉर्चर में लोगों को घरों में हीटर तक का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन जरूरी काम से लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं। दूर का सफर करने वाले यात्री मौसम की इस दोहरी मार का शिकार हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकलना और घंटों तक ट्रेन का इंतजार करना लोगों के लिए दुखदायी साबित हो रहा है। मैं लखनऊ जा रही हूँ और मैं कटरा वाराणसी स्पेशल ट्रेन से जा रही हूँ, जिसका नंबर 04612 है और वो 1 आवर लेट चल रही है। अभी तक फिलहाल 1 आवर दिखा रहा है, वो एक्सटेंड करने की प्रोबेबिलिटी है। अब कोहरा है तो परेशानी तो होगी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रेन भाई स्लो अपने स्पीड पे चलेंगी और सारी ही ट्रेन जो है, अभी आप अगर अनाउंसमेंट सुनेंगे तो सारी ही ट्रेन 1 आवर 2 आवर लेट है। अभी 1 ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है जो 5 आवर्स लेट है कोहरे की वजह से। घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई सेवा बुरी तरह से प्रभावित है। सैकड़ों ट्रेनें या तो देरी से चल रही हैं या फिर ज्यादा देरी के कारण उन्हें रद्द कर दिया गया। घने कोहरे के कारण दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से 4 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 16 उड़ानों का रूट डायवर्ट किया गया। घने कोहरे ने न केवल ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया, बल्कि रेलवे को सोमवार को 56 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। सोमवार को घने कोहरे के कारण 139 ट्रेनें लगभग 8 घंटे तक देरी से चली। इनमें 69 सुपरफास्ट ट्रेनें, 9 राजधानी एक्सप्रेस, 4 दुरंतो और 2 गरीब रथ समेत कई मेल और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। ठंड में कोहरा बहुत हो रहा है, टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, ठंड ज़्यादा, सभी परेशान हैं लोग और ट्रेनें भी काफ़ी लेट हो रही हैं, 2-2.5 घंटे। बस यही है, अब आ गई ट्रेन। बहरहाल कुल मिलाकर कोहरे के कहर ने देश की रफ्तार को धीमा किया है। यात्रियों के साथ साथ रेलवे के अधिकारी भी मौसम के मिजाज से परेशान हैं। पिछले कई दिन से हो रही सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और आज सबसे ठंडा दिन रहा है। इस वक्त मैं अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो यात्री हैं दूर दराज जाने वाले हैं और काफ़ी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं, यानी सीधे तौर पर ट्रेनें लंबे कई कई घंटे लेट हैं। जैसे कि आपको दिल्ली से बिहार की तरफ जाने वाली तमाम ट्रेन महाबोधि लगभग 10 घंटे लेट चल रही है और प्रयागराज 5 घंटे लेट है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी 4 घंटे, मगध एक्सप्रेस 4 घंटे लेट बताई जा रही है। और आपको बता दें कि कई डाउन की आने वाली ट्रेन जैसे महानंदा सहित 2 ट्रेनें पूरी तरीके से रद्द हैं और यात्रियों को लगभग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद तस्वीरें देख रहे होंगे, ये अलीगढ़ रेलवे स्टेशन की हैं, जहां दूर दराज जाने वाले यात्री पिछले कई कई घंटे से यहां बैठे हुए हैं। सीधे तौर पर जो ट्रेनें हैं वो लंबे समय से देरी से चल रही हैं, यानी 20-20 घंटे ट्रेन लेट हैं और सीधे तो यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ से R9 टीवी के लिए प्रमोद कुमार। तो सर्द मौसम के साथ ही घना कोहरा अपनी दस्तक दे चुका है। कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा भी खासा बढ़ा है। जी हाँ,
सड़क पर दुर्घटनाएं तो एक आम बात है, लेकिन कोहरे के दिनों में ऐसी घटनाओं में इजाफा हो जाता है। कोहरे के दौरान यात्रा करते वक्त ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। थोड़ी सी भी लापरवाही अगर हुई तो जान जोखिम में हो सकती है। सर्द मौसम के साथ कोहरे का कहर, कोहरे के कहर ने लगाया रफ्तार पर ब्रेक। घने कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, कोहरे से दुर्घटना की संख्या में बढ़ोतरी, सड़क पर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत। जी हाँ, बढ़ती ठंड के बीच कोहरे ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। सोमवार की सुबह कोहरा इतना घना था कि वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। ऐसे मौसम में सड़क पार करने वाले लोगों की भी मुश्किलें बढ़ी। लोग हाईवे पार करने में भी डरते दिखाई दिए। कोहरे की वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आई। बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत दिनों से आ रहा। मैं अमित गुप्ता बोल रहा हूँ, नोएडा से आ रहा हूँ। और DND पे तो थोड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा, एकदम विजिबिलिटी बहुत ही कम है, 10-20 मीटर का ही दिखाई दे रहा। बहुत गाड़ी सावधानी से चलाना पड़ रहा। तो वहाँ पे क्या कैसा है? अरे यहाँ से भी खतरनाक है, बहुत देख के चलाना पड़ रहा है, बहुत स्लो चलाना पड़ रहा है। सड़कों पर घना कोहरा लोगों के लिए मौत का सबब बन जाता है। इन हादसों में कई लोगों को असमय ही अपनी जान गंवानी पड़ती है, जबकि कईयों को अस्पताल का रुख भी करना पड़ता है। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर हुआ हादसा इस बात का प्रमाण है कि कोहरे के दौरान खतरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है। रविवार की रात एक्सप्रेस हाईवे पर कोहरे के कारण एक कार दुर्घटना का शिकार हुई। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देखिए, कल एक अर्टिगा कार जो संभल से आ रही थी, दिल्ली जा रही थी, देर रात्रि में खड़ली नहर क्रॉस कर रही थी, जो थाना धनकोट क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे घना कोहरा होने के कारण ये कार नहर में गिर गई और उसमें 11 लोग थे। 11 सभी लोग नहर में ट्रैप हो गए उसमें गिरने के बाद। शोर होने के बाद वहाँ जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों में से लोगों ने मिलकर के 5 लोगों को बचा लिया। 5 लोग सुरक्षित बचा करके हॉस्पिटल में भिजवाया गया, लोकल हॉस्पिटल में। कोहरे में गाड़ी चलाते समय और सड़क पार करते समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। खुद को चालाक चौबंद रखने के साथ ही गाड़ी चलाते समय बरती गई सावधानियां भी हमें खतरे से बचाती है। घने कोहरे में गाड़ी चलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमारे संवाददाता ने ऑटो एक्सपर्ट से बातचीत की। जैसे बाहर लॉन्ग रूट पे जाते हैं, फॉग जमे हो गए, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उनको सबसे पहले ये हीटर वाला पोजिशन है, इसको ऑन रखेंगे और एक ब्लोअर जो है 2 नंबर पर कर देंगे और वेंट को ये एरो बना हुआ शीशे के ऊपर आएगा कि जिससे कि शीशे का धुंध सूखता रहेगा, फिर गाड़ी आपको ड्राइव करने में कंफर्टेबल होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो अभी आपने हमारे साथ कार एक्सपर्ट को सुना, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कोहरे में आपको कैसे राइडिंग करनी चाहिए, ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए, और भी काफ़ी सारे फंक्शन हैं कि ब्लोअर को एक पर ही रखना चाहिए और जो उमस ना हो जाए उसके लिए भी उन्होंने हमें समझाया बाकायदा दिखा के। कैमरामैन अमित के साथ मैं अपर्णा दीक्षित, R19। घने कोहरे के कारण राजधानी दिल्ली में रेल से लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। यात्री ठिठुरन भरी ठंड में घंटों ट्रेन के इंतजार में रहते हैं। हमारी सहयोगी फरहा खान ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोहरे की मार झेल रहे यात्रियों का जायजा लिया है। दिल्ली NCR की सुबह कड़ाके की धूप से हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि तरीके से आप देख सकते हैं कि कोहरे की चादर आपको अभी भी दिख रही है, दूर का ज्यादा आपको दिख नहीं पा रहा है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाएं किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर सुबह में काफी भीड़ होती थी, लोग आते थे, लेकिन ठंड इतनी है कि लोग जो है वो आ नहीं रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है, अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो उसका भी साफ कहना है कि आज से 30 दिसंबर से जो शीतलहर है वो और बढ़ेगी, आने वाले टाइम में बारिश की भी संभावना है। अब आज का अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो 4.2 डिग्री पहुंच गया है, आने वाले दिनों में ठंड की और संभावना होगी। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं फरहा खान, R19।
लखनऊ में हमारे सहयोगी संदीप खेर ने रेलवे स्टेशन पर रेल सेवा का जायजा लिया है। पूरे प्रदेश में शीतलहर और कपकपाती ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, जिसने आम आदमी के जीवन को तो अस्त व्यस्त कर दिया है, साथ ही उसने ट्रेनों की चाल को भी बदल दिया है। जहां ट्रेनें कई लेट चल रही हैं, वहीं पे कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम इंसान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम चारबाग स्टेशन पर मौजूद हैं, हम आपको लेकर चलते हैं ट्रेन के अंदर और वहां पे उन यात्रियों से बात करते हैं जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि ट्रेन का जो समय लेट हुआ है उसे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें लेट चल रही हैं, क्या लगता है कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत है जी। प्रतापगढ़ पहुंचने का समय 7 बजे है और बैठे 3 घंटा तो आउटर पे खड़ी थी लगातार, सब यात्री उब गए हैं। लगातार लोगों को दिक्कत हो रही है, हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे एक भैया मौजूद हैं। सर, ट्रेन लेट चल रही है, किस तरह से दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत ज्यादा है, जगह जगह रोक रहे हैं और ठंड सर्दी का टाइम है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि पूछो मत। 3 घंटे 7:30 बजे एक टाइम रहा है कभी भी गाड़ी। ट्रेन लेट चल रही है, टाइमिंग बहुत बढ़ा दिया गया है, क्या कहेंगे किस तरह की दिक्कत हो रही है? अरे सर, 2-2, 3-3 घंटे रुक जाती है ट्रेन, तो दिक्कत हो ही रही है ठंड में। यस सर। भाई साहब, ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं, क्या लगता है कितनी परेशानी हो रही है? दिक्कत हो रही है ना, परेशानी हो रही है, दोनों से दिक्कत होती है, क्योंकि जिस तरह से समय बर्बाद होता है ट्रेनों के लेट चलते हुए। हमारे साथ यहाँ पे भैया मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही यात्रियों को? सर, अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण, कुहासा और कोहरा करने के कारण ट्रेन ठीक से नहीं चल पा रही, काफी विलम्ब होता जा रहा है, इससे काफी सामना करना पड़ जा रहा है दिक्कतों का। मैं भोपाल से आ रहा हूँ, भोपाल में तो ठंडी कम है। कितनी ट्रेन आपकी लेट थी? सर वही 3:30-4 घंटे 4 घंटे हो गए हैं। इस ट्रेनों को रद्द भी किया गया है? सर सर हाँ, किया गया है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो लगातार आपने देखा, हम लोगों से बातें कर रहे हैं, यहाँ से लगातार यात्री निकल रहे हैं ट्रेन से, जिसमें साफ तौर पे उन सभी लोगों का कहना ये है कि ट्रेनें कोई 4 घंटे कोई 5 घंटे लेट चल रही है, कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है लखनऊ के अंदर। आपको बता दें तो लगातार ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से कह सकते हैं कि प्रभावित हो चुका है, जिसका जो असर है वो आम यात्रियों पर पड़ रहा है। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 TV लखनऊ। कोहरे के कारण अलीगढ़ में भी रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित है, घंटों की देरी के कारण यात्री भी परेशान हो रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद ने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का जायजा लिया है। आज पूरी तरीके से चरम पर है, यानी आज का सबसे ठंडा दिन है। इस वक्त मैं रियलिटी चेक के लिए एक ट्रेन में हूँ जो अलीगढ़ से चलकर बरेली जाती है। अगर क्या रेलवे के जो दावे और वायदे थे वो कितने सच साबित होते हैं, इसे जानने के लिए मैं ट्रेन के अंदर हूँ। सबसे पहले वो सच्चाई रेलवे के अधिकारियों की दिखा दूँ, जिनको लेकर दावे और वायदे करते हैं कि ये एक ट्रेन का जो गिलास है जिससे बंद कर लें डोर है, वो पूरी तरीके से ख़राब है, यानी यहाँ से पूरी तरीके से यात्रियों को हवा लगेगी। आप खुद देख सकते हैं और मेरे साथ कुछ यात्री भी जानेंगे उनसे कि आखिर कैसी समस्या है, क्या परेशानियाँ आ रही हैं, ट्रेन में कितनी लेट चल रही है। और यहाँ से ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हैं, क्या पहले तो ट्रेन की कंडीशन क्या है ये बताएं। बहुत बुरी कंडीशन है, दोनों तरफ के देखिए जार नीचे नहीं गिर रहे हैं और गंदगी देखिए आप लोग कि मतलब साफ सफाई कितनी है यहाँ पे, और 1 घंटे लेट हो गई है ट्रेन, हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और सर वही है, एक ही ट्रेन है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कब कोई डायरेक्ट नहीं है अभी। खिड़की जो है, खिड़की कैसी है ट्रेन की? वो भी बंद नहीं हो रही है, उससे भी हवा आती है अंदर को बहुत ज्यादा। यात्रियों का कहना है कि जो ट्रेन की कंडीशन है काफी खराब है, यानी खिड़कियां बंद नहीं हो रही, तो हवा इतनी सर्दी में भी हवा का सामना करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि अलीगढ़ से तमाम बिहार के लिए और अन्य जगहों के लिए जाने वाली ट्रेन 10 से 20 घंटे लेट हैं, कई ट्रेन रद्द भी कर दी गई हैं। अलीगढ़ से R9 TV के लिए प्रमोद कुमार। तुम्हारे खास कार्यक्रम कोहरा काल में बस इतना ही, देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए।